नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। लोकतंत्र का महासमर में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर और मणिपुर, राजस्थान और त्रिपुरा के लिए मतदान का दूसरा और अंतिम चरण है। असम के 14, बिहार के 40 में से 5, छत्तीसगढ़ के 11 में से 3, मध्य प्रदेश के 29 में से 6, उत्तर प्रदेश के 80 में से 8, कर्नाटक के 28 में से 14, केरल के 20 के 20, राजस्थान के 25 में से 13, महाराष्ट्र के 48 में से 8, त्रिपुरा की 2 में से 1, पश्चिम बंगाल की 42 में से 3, जम्मू कश्मीर के 5 में से 1 पर वोटिंग है। मणिपुर में 2 निर्वाचन क्षेत्रों में से 1 बाहरी मणिपुर सीट पर 2 बार मतदान होगा, जिसमें कुछ क्षेत्र पहले और कुछ दूसरे क्षेत्र में होंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी उम्मीदवार हैं, जबकि उनके विरोधियों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से एनी राजा और बीजेपी के केरल अध्यक्ष के सुरेंद्रन शामिल हैं। मौजूदा सांसद और कांग्रेस नेता शशि थरूर का तिरुवनंतपुरम सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर से मुकाबला है। वहीं उत्तर प्रदेश में हेमा मालिनी मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, जबकि मेरठ में बीजेपी ने रामायण में श्रीराम का चरित्र निभाने वाले अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। बिहार के पूर्णिया से पूर्व सांसद पप्पू यादव निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव मैदान में हैं। वहीं मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपनी किस्मत जो है आजमा रहे हैं। और चलिए सीधे पन्ना चलेंगे, जहां हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा का रुख करेंगे। संदीप, आप मतदान केंद्र पर हैं, मतदाताओं से बात कीजिए और अभी तक वोटिंग परसेंटेज की बात करें, कितनी वोटिंग परसेंटेज हुई है और मतदाता जो है किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं, उनका प्रतिनिधि जो है कैसा हो? बिल्कुल, सप्ताह इस समय पर हम अगर बात करें तो पन्ना में मौजूद हैं और पन्ना में जिस प्रकार से हमने सुबह से कई पोलिंग बूथों पर देखा, खजुराहो से देखते चले आ रहे हैं हम और अब पन्ना में हैं। तो पन्ना में जिस प्रकार से बात चल रही थी कि इस बार वोटिंग प्रतिशत दूसरे चरण में अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन जो सुबह से जिस प्रकार से सिलसिला दिख रहा है पोलिंग बूथों में, वो निराशाजनक कहा जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें के अच्छे तरीके से वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। राजनीतिक पार्टियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी दावे किए कि लोगों को पोलिंग बूथ तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेके आया जाएगा, लेकिन अभी तक निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला है। जिस प्रकार से अभी अगर हम बात करें तो करीब 11:15 का समय हो रहा है और अभी तक जो लोगों के आने का सिलसिला है तो एक दो करके इस प्रकार से लोग पोलिंग बूथ में पहुंच रहे हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए चुनाव के प्रति और लोकतंत्र के प्रति, वो कहीं ना कहीं कम दिख रहा है लोगों में, जो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। हमारे साथ भी कुछ मौजूद हैं, देखिए अभी पहुंचे, क्या लग रहा है, ये नहीं लग रहा कि कुछ कमी दिख रही है खासकर युवाओं में? आप भी एक युवा हैं, युवाओं का अभी प्रतिनिधित्व दिख नहीं रहा है और बहुत सारे
बुजुर्ग युवा बहुत कम मात्रा में दिख रहे हैं। जितना विधानसभा में देखा गया था उत्साह, वो उतना नहीं देखा जा रहा है अभी। तो मैं अपील करती हूँ कि सभी लोग आए और वोट दें, अपना मत का सदुपयोग करें। तो आपने देखा जिस प्रकार से इन्होंने, इनका कहना है घर से निकलती हैं, जब कोई भी घर से निकल रहा है तो वो भी चाहता है कि लोग पोलिंग बूथ में पहुंचे और वो पोलिंग बूथ में न सिर्फ पहुंचे बल्कि वोटिंग करें। हमारे साथ अपने स्थानीय संवाददाता सौरभ साहू भी हैं। सौरभ, आप लगातार पन्ना में निरीक्षण कर रहे हैं, पन्ना में लगातार अलग अलग बूथों में आप गए, अभी तक आपने क्या वोटिंग की स्थिति देखी? आज सुबह टाइम जो 7 बजे से वोटिंग चालू हुई है उसमें जो सुबह टाइम 10 बजे तक वोटिंग ठीक ठाक थी, लेकिन अब जैसे समय धूप निकलती जा रही है और हो रहा है, जिस कारण जो लोग बाग हैं वो वोटिंग के लिए कम होते जा रहे हैं। इस बार इतना ज़्यादा रुझान नहीं है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो लोगों के ऊपर एक रुझान होता है वो वोट के लिए नहीं है। आप पन्ना से ही हो, कहीं ना कहीं एक और भी बात उठती है कि मुकाबला जो है वो एक तरह से भाजपा से तो है, लेकिन भाजपा का किससे है कुछ, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है और लोगों में कहीं ना कहीं ये भी एक निराशा का भाव देखने को मिल रहा है कि भाई चुनाव में कोई मुकाबला तो है नहीं, तो घर से निकलने की क्या जरूरत है, चुनाव तो जीत जाएगी भाजपा, कुछ ऐसा भी दिख रहा है? बिल्कुल, क्या है यहाँ पर जो हैं बीजेपी से विष्णु दास शर्मा जी हैं जो एक तफा ही है, लेकिन जो 14 लोग और भी हैं लेकिन उनके सामने कोई टक्कर देने वाले नहीं है। इसीलिए लोगों का भी सोचना है कि वो तो जीत ही रहे हैं, इसीलिए अपने मत का सही उपयोग भी नहीं कर पा रहे लोग। तो देखिए सविता, जिस प्रकार से आपने सौरभ को भी सुना, कहीं ना कहीं यहाँ एक तरफा चुनाव देख करके भी लोगों का जो रुझान है, जिस प्रकार से जो लोग अगर जिस उत्साह से जिस जोश से घर से निकलते हैं तो वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। सभी में यही सबके मन मस्तिष्क में चल रहा है कि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीत ही रही है, मोदी चुनाव जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे हैं, तो घर से क्यों निकले? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी हम और भी जगहों पर जाने वाले हैं, वहां के भी हाल देखेंगे, लेकिन जिस प्रकार से अभी हमने खजुराहो से और पन्ना तक की स्थितियां देखी हैं तो कहीं ना कहीं वही निराशा का जो भाव है तो यहां तक लगातार बदस्तूर जारी है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि शाम को जो वोटिंग प्रतिशत है वो थोड़ा बढ़ेगा करीब 4 बजे के बाद, क्योंकि शाम को जब धूप ढलती है तो उस दौरान लोग घर से निकलते हैं। फिलहाल तो 10 बजे के पहले तक जो लोग जिस प्रकार से रुझान दिख रहा था तो 10 बजे के बाद लोगों की भीड़ आने कुछ कम हो गई है, लेकिन फिर भी लोग एक एक करके घर से, जिस प्रकार से महिलाओं को आप देख सकती हैं कि महिलाएं आ रही हैं पोलिंग बूथों में, बुजुर्ग महिलाएं भी आ रही हैं, तो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन युवाओं की जो भीड़ है, जो हम बार बार युवाओं की बात करते हैं, तो बड़े आ रहे हैं बुजुर्ग आ रहे हैं, लेकिन युवाओं का वो उत्साह देखने को अभी तक सविता नहीं मिला है। बिल्कुल संदीप, आप बने रहेगा हमारे साथ, रीवा से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अशोक मिश्रा। अशोक, रीवा की बात करें तो रीवा में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि जो हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा है वो पन्ना की स्थिति बता रहे थे कि जो युवा है, युवा मतदाता है वो नहीं पहुंच रहे हैं, और वोटिंग परसेंटेज की बात करें जो मतदाता है वो नहीं पहुंच रहे हैं। अगर रीवा की बात करें, रीवा की क्या कुछ स्थिति है बताइए, और मतदाता आपके आसपास है तो उनसे बात भी कीजिए। है मतलब वार्ड 9-10 की इनके स्कूल, वहां पर मतदान संतोषजनक हो रहा, बाकी सभी हर जगह मतदान अभी 10% ऊपर नहीं हो पाया है। यहाँ पर युवा भी ज्यादा से ज्यादा भाग नहीं ले रहे, यहाँ पर लोग ऑलरेडी ये मान कर चल रहे हैं कि जितना तो भाजपा को ही है, तो यहाँ पर उत्साह देखने को कम मिल रहा है। हालांकि शाम तक वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। पूरे रीवा लोकसभा में 2014 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हम अभी वोटिंग फिलहाल संतोषजनक नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल अशोक, जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने तमाम कोशिश की वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए कि मतदाता जो है अधिक से अधिक संख्या में जाएं और मतदान करें। मतदान जो है अपना अधिकार है हम सभी का, उसका प्रयोग करना चाहिए। स्वराज एक्सप्रेस भी जो है सुबह से बार बार अपील कर रहा है कि आप लोग घर से निकलिए और जो अपना अधिकार है उसका प्रयोग कीजिए। अशोक जी,
बिल्कुल ये सब देखने के लिए प्रशासन ने अपने तरफ से सारी व्यवस्था भी कर रखी है, पानी पीने की व्यवस्था कर रखी है, यहाँ पर छाया की व्यवस्था कर रखी है। फिर भी आज हिंदू धर्म के 26 तारीख आज उसका प्रतिबंध का और विवाह का अलाज लगन भी चल रही है, इसके चलते भी ये जताया जा रहा है की मतदान कम है, यहाँ पर भाग ले रही है। लेकिन अशोक जो शादी जो दुल्हा है और दुल्हन है वो भी पहुंच रहे हैं, तो जब उनको समझ में आ रहा है कि मतदान का कितना जो हमारा अधिकार है, तो जो लोग हैं जो घर में हैं उन्हें भी निकलना चाहिए और अपना मतदान का जो अपना मत का है वो प्रयोग करना चाहिए। आपके आसपास कोई लोग है तो बात कीजिए आप। जी बिल्कुल, मैंने बात किया है, मैंने बात भी ले रखी है, अपील भी लोग की जी, अभी आप लाइव बात कीजिए जी, आपके आसपास मतदाता है तो आप बात कीजिए, किन मुद्दों को लेकर वो पहुंचे हैं और क्या कुछ जो मौजूदा सांसद है जी, मैं तुरंत बात कर रहा हूँ, किस मुद्दों को लेकर के माता रामा से यहाँ पर पहुंची है, वोट डाला है, वोट डालने आई है, पोलिंग के बाहर लोग खड़े वहां पर भी पूछते हैं जी जी जी। भाई साहब किस मुद्दे को लेकर के आप यहाँ पर खड़े हैं जी, वोट डालने आए हैं, वोट डाल चुके हैं, वोट प्रतिशत यहाँ पर कम जा रहा है, इसका क्या रीजन समझ रहे हैं आप? मैंने कुछ घर में बाहर रहते अभी ऑनलाइन वोटिंग होती तो वो भी पड़ जाती, अब वो तो यहाँ पे 15 से यहाँ आ नहीं पाएंगे तो वोट डाल जी जी। तो मैं पूर्व महापौर सिंगर सिंह से बात करना चाहूंगा, आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर खड़े हैं? तो हम लोग अपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए खड़े जी, बहुत पैसा कभी कम जा रहा है, इसका क्या रीजन मान रहे हैं आप? ये है कि यहाँ पर ज्यादा सब लोग परिचारी वार्ड नंबर 13 और बहुत सारे लोग बाहर रह रहे हैं, जो यहाँ है तो वोट डालने आ रहे हैं जी। ये हमारे पूर्व महापौर सिंगल सिंह जी से मैंने बात कराई मैडम आपको। बिल्कुल, यदि अशोक बात करें जो मौजूदा सांसद है जो जब वोट लेने पहुंचते हैं कि हमें वोट दीजिए, तो जो वादे करते हैं क्या वो वादे पूरे हुए हैं जी? ये कैसा हो आपका ये भी सवाल कर लीजिए मतदाताओं से जी, क्या आपके सांसद जो पूरे हुए वो अपने वादे पूरे किए हैं? कौन से वादे पूरे नहीं किए बताइए, 10 साल सांसद रहे सारे वादे पूरा किए जी जी, क्या नहीं किए बताइए। नहीं नहीं, हम ही पूछ रहे हैं कि अब क्या सांसद महोदय वादे पूरे पूरे भी हैं? संतोषजनक है, संतोषजनक है, सांसद ने बहुत काम किया जी, 15-16 के डेट पर रिजर्व चल रही 14-15 जी, तो उन्हीं के देन है, हमारे एयरपोर्ट का केंद्र से ही उन्होंने लाया है और हवाई जहाज चलने वाली है चुनाव के वास्तव में। बिल्कुल अशोक, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। हमारे साथ फिर से एक बार पन्ना से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा का रुख कर लेते हैं। संदीप, जो पन्ना में स्थिति है वही सेम स्थिति जो हमारे संवाददाता है अशोक मिश्रा वो रीवा से बता रहे थे कि मतदान करने लोग नहीं पहुंच रहे हैं, निराशा भी लोगों में, क्योंकि अभी जो संवाददाता अशोक है वो बात कर रहे थे मतदाता से, तो उनका कहना है कि जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने जो वादा किया वो वादे कुछ भी पूरे नहीं किए, तो ये भी एक निराश की बात हो सकती है, रुचि नहीं है लोगों में, इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल कविता, देखिए रीवा की बात करें, रीवा की और पन्ना की ये कहीं ना कहीं बिंद की तासीर पन्ना में भी आती है और कुछ उसी टाइप का सिनेरियो यहाँ भी देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी स्थितियाँ अलग है, विपरीत है, क्योंकि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, तो स्थितियां अलग है, चुनाव दोबारा ये भी लड़ रहे हैं, वहां पर वो जनार्दन मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि इस बार वहां की जो जनता है तो वो नहीं चाह रही थी जनार्दन मिश्रा को, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव मैदान में उतारा है। अब अगर यहां की बात करते हैं तो यहां पर विकास की बात नहीं होती है, यहां पर दरअसल पे सामने जो मुकाबला है तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मुकाबलेदार है यानी कि जो कैंडिडेट है तो कांग्रेस से कोई यहां पर उम्मीदवार नहीं है, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका किसी कारणवश नामांकन रद्द हो गया, तो अन्य जो बाकी उम्मीदवार हैं तो ज्यादा मजबूत दिख नहीं रहे, तो भारतीय जनता पार्टी की यहां पर एक तरफा जीत को देखते हुए थोड़ा सा लोगों का जो इंटरेस्ट है चुनाव के प्रति वो जरूर कम हुआ है और वही कारण माना जा रहा है
कि जो लोग जनता जो है अस्वस्थ है, मतदाता जो है अस्वस्थ है जी बीजेपी के प्रत्याशी के प्रति। बिल्कुल कविता, कहीं ना कहीं जो जो जनता है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उनके जो मन मस्तिष्क में है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। क्योंकि सुबह से हमने करीब 4 से 5 पोलिंग बूथों में जाकर के जायजा लिया, यहाँ सभी जगहों से आपके साथ बात भी की, मुखातिब हुए, तो कविता वही हाल सभी जगहों पर दिख रहा है। हालांकि थोड़ा अब धूप भी तेज हो गई है, तो अब धूप के कारण भी लोगों का निकलना कम हो गया है। हालांकि महिलाएं थोड़ा कोशिश कर रही, क्योंकि महिलाओं का सुबह सुबह काम होता है, घर में खाना बनाना, घर के अन्य काम करना, जो गृहिणियां होती हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा करके महिलाएं बल्कि हिम्मत कर रही हैं, लेकिन उनकी तुलना में जो पुरुष हैं उनकी भीड़ कम देखने को मिल रही है, जो निराशाजनक कहा जा सकता है। जी बिल्कुल संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ। माखन नगर से आशीष दुबे सीधे जुड़ गए हैं, आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, क्या कुछ स्थिति है, मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान करने, तस्वीर दिखाइए। निकल रहे हैं, प्रशासन ने भी व्यवस्था की है मतदाताओं को निकालने की, और पार्टी द्वारा भी की जा रही है। अभी हम माखन नगर के ग्राम पंचायत गनेरा में खड़े हुए हैं, यहाँ 2 पोलिंग बूथ हैं, 1790 वोटर है, जिसमें अभी तक 33% हुआ, 660 वोट डल चुके हैं अभी तक। और पारा इतना गर्मी इतनी तेज है कि वोटर भी घर से निकलने में हिचकिचा रहा है, जिसके बाद शासन प्रशासन ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी वाहनों की व्यवस्था की है। इस वक्त शादियों का माहौल भी ज्यादा है, तो कुछ वोटर शादियों में बाहर गए हुए हैं, इसलिए इस बार परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज कम रहे। बिल्कुल, आप मतदान केंद्र पे हैं आशीष, आपके आसपास मतदाता है, बात कर लीजिए। जी जी, हमारे साथ ग्राम पंचायत गनेरा के एक मतदाता हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने आज इतनी धूप में आकर वोट डाली, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, लेकिन क्या है, इस समय शादी का माहौल चल रहा है, तो इस कारण और धूप भी तेज है, कारण मतदाता कम आ रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक यहाँ पे ये चल रही है मतदान। माहौल कैसा है यहाँ पर? इस बार कम वोटिंग होगी माहौल, क्योंकि शादी का चल रहा है और धूप भी बहुत तेज है, इस कारण तो माहौल थोड़ा परसेंटेज कम ही रहेगा, लेकिन शांति मतदाता कह रहे हैं धूप और गर्मी के कारण और उसके बाद शादियों के माहौल के कारण वोटिंग परसेंटेज कम रहेगा, मगर इस कड़ी धूप में भी इस महायज्ञ की पूर्णाहुति के लिए वोटर युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, आपके साथ जो मतदाता जी 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 बोलिए जी, आपके साथ जो मतदाता है उनसे भी पूछ लीजिए विकास के काम हुए हैं और किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने पहुंचे हैं। आपके ग्राम पंचायत में विकास के कार्य हुए हैं और आप किन मुद्दों को लेकर आज वोट करने आए हैं, ये पूर्ण महायज्ञ में पूर्ण आहुति देने आए हैं? देखिए, पहले से और अब से थोड़ा विकास तो हुआ है, तो उसी को देखते हुए मतदाता यहाँ मतदान करने आए हैं। आगे और जो रह रहे हैं कुछ, तो वो आगे होगा कार्यक्रम, मतलब कितना परसेंटेज आप आपके ग्राम पंचायत से वोटिंग करा सकते हैं? अभी ऐसा लग रहा है 60-70 के बीच में। तो मैडम, मैं आपको बता दूं, माखन नगर ब्लॉक में 60% ही मतदान हो सकता है शाम तक, ये स्थिति यहाँ वोटरों का कहना है कि 60% से आगे मतदान नहीं हो पाएगा, जिसके बाद शासन और पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल आशीष, तमाम जी जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और संदीप मिश्रा आपका भी बहुत धन्यवाद। वहीं पन्ना के मतदाताओं में खासा उत्साह दिख रहा है, सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर लाइन लग गई थी। पन्ना जिले में 901 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, इसमें से 130 संवेदनशील है, 19,97,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।